नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में बारिश के बाद उमस से राहत मिली है। दरअसल जाम और जलभराव से लोग परेशान हो गए हैं। निजामुद्दीन के कब्रिस्तान में भारी जलभराव हो गया है। कब्रिस्तान में करीब 5-6 फीट पानी भर गया है। जलभराव से कई कब्रें क्षतिग्रस्त भी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निजामुद्दीन के कब्रिस्तान में पानी भर गया है। कब्रिस्तान में करीब 5-6 फीट पानी भरा है। पानी हो, सारी कब्रें डैमेज हो गई थी। तब मैंने भाग दौड़ करके पंपों का इंतजाम किया, डीवाटरिंग करवाई। अब आप जैसे देख रहे हैं कि पानी एक छोटा सा सेक्टर रह गया जहां से पानी नहीं निकला, बाकी पानी निकल गया। पूरे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे हम लोग यहां रहे, हमारे साथी रहे, सबने हमारी मदद की है। फिर कल नोटिस किया मैंने कि साहब यहाँ पर लार्वी आ गया इसका, डेंगू का। तो आज दवाई डलवाई है और कल परसों में फॉगिंग भी करवाएंगे। यहाँ मसला ये आएगा कि कीचड़ बहुत होगा, उसे कैसे हटाएंगे लोग? अपने यहाँ मट्टी नहीं है, कैसे अपने लोग अपनी कब्रें, अपने बुजुर्गों की या रिश्तेदारों की या बच्चों की कब्रों को कैसे ठीक करेंगे? तो ये सारे इंतज़ाम हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे और करेंगे हम। देखिए, कब्रों की गिनती तो मुझे नहीं पता, मगर हज़ारों की तादाद में है कब्रें। और पानी, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि 6 फीट तो पानी रहा होगा। कितने दिन तक रहा ये? बस कल शाम से रिसीड हो गया, जो हमने साफ करवा दिया। बस जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक सेक्टर में रह गया है, बाकी निकल गया है। और ये कब्रिस्तान 700 साल पुराना। तो जल भराव और उमस से लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल जाम लगने की वजह से और जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कब्रिस्तान में 5-6 फीट पानी भर गया है और ऐसे में लोग परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शाहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शाहनवाज, भारी बारिश की वजह से लोगों को उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बारिश की वजह से अब निजामुद्दीन के कब्रिस्तान में 5-6 फीट गहरा पानी भर गया है और दूसरी ओर जाम की स्थिति भी सड़कों पर नजर आ रही है। लोग परेशान है। जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुए है, उसे जल भराव से कब्रिस्तान जो है कई कब्र पे पानी जो है भर गया है और कई कब्र जो है खराब भी हो गए हैं। जिस तरीके से प्रभात सूरी जो कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर किसानवाद जी ये हालात है कब्रिस्तान के, मगर जिस तरीके से कब्रिस्तान के हालत है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये चीज देखना चाहिए। कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल है वो अच्छे से होना चाहिए। मगर इसमें और भी खास बात यह है कि जो अभी ताजे अभी कब्र है जिनके दफनाया गया है, वो भी कब्र जो है पूरी तरीके से पानी पानी हो गया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी खराब है। वह लोग जो है काफी नाराज है वहाँ के लोगों से। जो कब्र खोदते हैं उनका कहना है कि ये पहली बार है कि कब्रिस्तान में पानी आ जाना हम लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है। अगर कोई नई कब्र खोदने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।